दर्शकों नमस्कार, खबर सागर मध्य प्रदेश से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्त चेतना पार्टी के सदस्यों के ऊपर किया शराबियों ने हमला। आपको बता दें कि आगामी 21 अगस्त को होने जा रही है भारतीय शक्त चेतना पार्टी की आम सभा, जिसके मद्देनज़र कजलीवन से लौट रहे थे कार्यकर्ता। कजलीवन से लौटते हुए कार्यकर्ताओं पर शराब माफियाओं ने किया हमला। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता इन लोगों के साथ क्या घटना हुई? जी भैया, नाम बताएं आपका। मेरा नाम राहुल लोधी, ग्राम बिल्डाना से। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं इस ग्राउंड पर गए थे, कजलीवन ग्राउंड पर गए थे, वहाँ दीदी जी आ रही थी तो सफाई देखने गए थे, वहाँ से लौट के जा रही थी तो जान आने गली में छेक के उन्हें जान फतरा से मारपीट की जान। आपके साथ दादा क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण लोधी है। हम लोग कजलीवन ग्राउंड से, हमारी आम सभा होने जा रही थी 21 तारीख में, तो हम लोग वहाँ के ग्राउंड की सफाई के अभियान को देखने गए थे। उस वहाँ से वापस आते समय हम सभी गुरु भाई एक गाड़ी में हुए बैठे थे, तभी आन के पहली बार इन लोगों ने गालियाँ दी। इसके बाद हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी ने बोला, बोले छोड़ो हटा दो। फिर दोबारा हम लोगों ने कुछ नहीं बोला तो यार, तो हम लोग उतर के इनको पकड़ के अपनी गाड़ी के लिए बोल रहे थे, तो ये बोले मारो साल, हम जान से मारो इनको। इसके लिए लोगों ने फिर पकड़ के मार दिया, जान से धमकी दे रहे थे, इसको जान से खत्म कर दो इन लोगों को। अरविंद कुमार दीक्षित, भगवती मानव कल्याण संगठन, जिला अध्यक्ष सागर। क्या घटना घटी? हम लोग कजलीवर ग्राउंड से वापस घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल से तीन लोग आ रहे थे, उन लोग ने गाली दी तो हमारे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे राघवेंद्र, वो गाड़ी रोकने लगी। हमने कहा ऐसे बहुत से लोग देते रहते हैं, गाड़ी बढ़ाओ, उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी। आगे आके उन्होंने फिर दोबारा गाली दी तो गाड़ी रोकी, तो गाड़ी जब उन्होंने मोटरसाइकिल आगे लगाई तो हम लोग ने गाड़ी रोकी। उसके बाद में उन्होंने फिर से गाली गलौज की, तो इन लोगों ने उनके लिए कि चलो भाई इनके लिए थाने के सुपुर्द कर दें, तो हम लोग के इस भावना के साथ उनके लिए लेके आ रहे थे। तो जैसे ही हम लोग सिविल लाइन ग्राउंड पर आए, वहाँ पर इनके साथ के दो लोग भाग गए थे, तो उन लोगों ने फोन कर दिया, तो 6-7 मोटरसाइकिल सिविल लाइन जहाँ लाल बत्ती रहती है, तो रेड लाइट के कारण हम लोग खड़े हो रहे थे, उसके आगे बुलेट लगा दी और 15-20 और लोग आ गए इनके साथ ही, तो उन्होंने हम लोग के साथियों के साथ मारपीट की, छीना छपटी की और बद्दी बद्दी गालियाँ दी। जी, हम लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे, जैसे कि हम लोग जनजान करके आ रहे थे, पार्टी की प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तो हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो एक लड़का बाइक लगा के आगे, फोर व्हीलर के आगे आ गया और वो अचानक बस गाली देने लगा संगठन के कार्यकर्ताओं को। तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अदर गाली देने लगे, दूर जाके गाड़ी पे पत्थर भी फेंकने लगे। तो हम लोगों ने सोचा ये पत्थर फेंक रहे, तो उनको समझाने की और कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। फिर आगे हम लोग सिविल लाइन आए, तो सिविल लाइन में उनके 35 से 40 लोग एकत्रित होकर गाड़ी को रोक लिया, फोर व्हीलर को हमारी, 10 लोग हम लोग थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, प्रचार प्रसार में लगे थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वो जानलेवा हम लोगों पे हमला किए। 40-50 लोग थे हमारे संगठन के गुरु भाइयों को, देखे कैसे किस तरीके से मारा है उन्होंने, और बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया जाए, शासन प्रशासन इस पर फोकस करे, और हम सभी से कहना चाहेंगे प्रशासन से कि वो इस पे कड़ी कार्रवाई करे। आपका कौन सा कार्यक्रम होना है? ये यहाँ पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आम सभा होना है, और ये राजनीतिक लोग हैं जो ये रोड़े अटका रहे हैं कुछ लोग। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती